खबर आगरा से है, जहां शिव महापुराण रस महोत्सव में दूसरे दिन नारद कथा और शिवलिंग महिमा का वर्णन किया गया। वही अरविंद जी महाराज ने शिवलिंग महिमा बताते हुए कहा कि शिवलिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपरी भाग में शिव का वास होता है और शिवलिंग की वेदी या आराध्या आदि शक्ति माता पार्वती का रूप मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार अलग अलग प्रकार के शिवलिंग का पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूरी होती है। ये भोले की नगरी बन चुका है, यहाँ भोले की अत्ता गुणगान हो रहा है। सावन मास के महीने के अंदर बड़ा आनंद आ रहा है, आनंद में शरीर सरोवर हो चुका है। भोले ही भोले दिख रहे हैं यहाँ तो हमको, भोले क्या हो रहा है। कितना उत्साह है भक्तों में, कितना उत्साह भक्तों में दिखाई दे रहा है। बहुत 5 दिन का उत्सव है, बहुत ही बढ़िया उत्सव हो रहा है, ये इससे बढ़िया उत्सव हो रहा है। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक रुद्राभिषेक कार्यक्रम हुआ था। 6 हमारे रुद्राभिषेक के दैनिक यजमान थे और इसके बाद अरविंद जी महाराज के मुखारविंद से कथा का आयोजन चल रहा है, शिव पुराण का आयोजन चल रहा है और आप देख ही रहे हैं। इस वक्त पूरे कमला नगर में जनक पार्क के अंदर जो सैलाब भक्ति भाव का आया हुआ है वो अपने आप में एक अस्मरणीय है। इस वक्त लोगों का एक ही है कि जनक पार्क, जनक पार्क, जनक पार्क। तो महाराज जी के मुखारविंद से जो शिव पुराण का खबर महोबा से है, जहां मुहर्रम की 9 तारीख के उपलक्ष में गोलाघाट नयापुरा में अलाव का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम भाइयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हजरत इमाम हुसैन की यादों में हदकते हुए अंगारों से, दहकते हुए अंगारों से वो गुजरे। साथ ही हजरत इमाम हुसैन के प्रति अपनी श्रद्धा भी दिखाई। ये चरखारी में अलाव हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है? 150 वर्ष से हो रहा है। अलाव किस उपलक्ष में खेला जाता है? इमाम हुसैन की याद में खेला जाता है। इसमें कितने लोग शिरकत फरमाते हैं अलाव में? इसमें हमारी कमेटी के कम से कम 60-70 लोग हैं जो इस उपलक्ष्य में खेलते हैं। हम लोग हर कौन के खेलते हैं, कोई भी खेलना चाहे सब खेल सकते हैं और हम लोग मानते हैं और श्रद्धा है इसमें, तो हम लोग किसी खेलते हैं। अलाव में अभी अभी कितने लोग खेलेंगे? अभी इसमें 30 लोग खेलेंगे। नाम मालूम है कुछ लोगों के? बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सब लोग मिलके खेलेंगे। कितनी उम्र से कितनी उम्र तक खेलते हैं? 6 महीने से 40 साल की उम्र तक खेल सकते हैं। शाहजहांपुर के थाना बंडा में एक युवक धान की रोपाई करने के लिए पंजाब प्रांत के जालंधर में मजदूरी करने के लिए गया था, जहां कुछ समय वहां रुकने के बाद पंजाब से घर वापस आ रहा था। वहीं रास्ते में मीरपुर ढाबी से वो गायब हो गया। काफी तलाश करने के बाद भी युवक का पता नहीं लगा। वहीं पिता का आरोप है कि बंडा पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है? हाँ, पंजाब गया था। तो अभी तक वापस नहीं आया? अभी वापस नहीं आया। हम क्या कहे, केसन ले आओ, उससे लाओ केसन। अब जाने पता नहीं बत्ता का कड्डा रो कौन है, कड्डा रो जाने बत्ता मार डारो की जिंदा है कहूँ ऐसी दो पता नहीं क्या करो। क्या नाम है? सरोजा देवी। वहाँ की आप रहने वाली? पथियापुर के। पथियापुर में रहते हैं, आपका आपका लड़का धान लगाने के लिए पंजाब गया था? हाँ, पंजाब गया था। तो अभी तक वापस नहीं आया? अभी वापस नहीं आया। हम क्या कहे, केसन ले आओ, उससे लाओ केसन। अब जाने पता नहीं बत्ता का कड्डा रो कौन है, कड्डा रो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर ग्वालियर से है, जहां एक महिला का रास्ते में कहीं जाते समय उसका पर्स गिर पड़ा, जिसमें 15,400 नगद, बैंक की पासबुक, मोबाइल के साथ कीमती सामान रखा हुआ था जो गिर गया, जो कि वहां पर FRB 23 पर तैनात आरक्षक को पड़ा हुआ वो पर्स मिला। तीनों ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए महिला के पर्स को खोलकर उसमें से मोबाइल नंबर निकालकर महिला से संपर्क किया और उनको उनका सामान वापस किया। वही महिला अपने खोए हुए सामान को देखकर काफ़ी खुश हुई और उसने चौकी पर पदस्थ तीनों कर्मचारियों को और पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद दिया।
खबर प्रयागराज से है, जहां एटीएम के सामने चार संदिग्ध लोगों को देख फूलपुर पुलिस ने पूछताछ की और पूछताछ के दौरान संदिग्ध लोग बैंक के लुटेरे निकले, जिसके बाद पुलिस ने एटीएम फ्रॉड गैंग का खुलासा किया और चार अंतर जनपदीय लुटेरों को कार्रवाई कर जेल भेजा गया। साथ ही कब्जे से 43 एटीएम कार्ड और कैश बरामद किया गया है। ये क्या है? 27 जुलाई को एक घटना सामने आई है। ये इप्पो चौकी थाना फूलपुर में SBI का ATM था। वहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि चार अभियुक्तों द्वारा टप्पेबाजी की घटना को कारित किया गया है। उसमें जांच पड़ताल की गई, उसमें चार अभियुक्त इस घटना में जो संलिप्त है वो गिरफ्तार किया गया। इनका जो क्राइम करने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार है कि एक जैसे कोई व्यक्ति अपना ATM लेके किसी ATM में पैसा निकालने जाता है, तो उसके साथ साथ केबिन में 2 से 3 लोग एंटर होते हैं, साथ साथ उसके दाएं बाएं और पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। और जब वो व्यक्ति अपना पिन डालता है और अपना ATM लगाता है, तो पीछे से एक व्यक्ति उसको भ्रमित करता है, उसका ध्यान भटकाता है। इसी बीच वो लोग मशीन में कोई और बटन प्रेस कर देते हैं, जिससे कि मशीन से पैसा विड्रॉ नहीं होता है कुछ समय अभी के लिए। फिर उस व्यक्ति को मदद करने के बहाने से उसका ATM एक व्यक्ति अपने हाथ में लेता है और उसको रिप्लेस कर देता है। इसी बीच कोई और व्यक्ति जो उसके बाएं हाथ पे खड़ा है या पीछे खड़ा है, उसको बातों में व्यस्त कर लेता है, ताकि उस व्यक्ति को पता ना चले कि उसका ATM कार्ड उन्होंने रिप्लेस कर दिया। इसी बीच उसका ATM का पिन लिख लेते हैं और ओरिजिनल ATM रख लेते हैं। व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में ये उसी ATM से या किसी अन्य ATM पर जाके उसके अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। इनका अपराध करेक्ट करने का तरीका है, इसमें चार अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। इनका अंतर जनपदीय गिरोह की तरह काम करते हैं, जिनके विरुद्ध में प्रयागराज और भदोही में मुकदमे पंजीकृत हैं। उनका विवरण है, पहला अभियुक्त है नीरज भारती, इसके विरुद्ध में 14 केसेस पंजीकृत हैं। रोशन सिंह के विरुद्ध में 11 केसेस हैं। शैलेन सिंह के विरुद्ध 8 केसेस हैं और शिव प्रकाश सिंह के विरुद्ध में 7 केसेस हैं। यही है अगली स्टेज पे लोग इस पर काम कर रहे हैं, किस तरह से क्या क्यों ऐसा हो रहा है आपको तो ये विषय में? देखिए, अभी इसकी विवेचना जारी है, हो सकता है कि इसमें और भी लोग अभी संलिप्त पाए तो उनको भी अरेस्ट करके दिया जाएगा। आप लोग के माध्यम से मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, नागरिक, वो जब भी किसी ATM का इस्तेमाल। उन्नाव में मुस्लिम शिया समुदाय के लोगों ने अंगारों पर चलकर हुसैन की शहादत को याद किया। बता दें कि मुहर्रम की रात में शिया समुदाय के लोगों ने इमाम हुसैन की याद में आग के अंगारों पर चलकर मातम किया। वहीं उन्नाव शहर के चौधराने में जामा मस्जिद के सामने शिया समुदाय ने मातम कर इमाम हुसैन का गम मनाया। मेरा नाम जहीर अब्बास नकवी। आज मातम किया गया है, कितना का प्रोग्राम था, लगभग कैसा था? ये प्रोग्राम जो है ये तकरीबन 350 साल पुराना है। ये जो आज जुलूस है, वैसे तो ये शहीद कर्बला का गम जो है 1450 साल इस वाक़े को हो गए। मुसलमानों के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि सारी कौमों में मोहम्मद साहब के नाम से भी मशहूर हैं, उनके नवासे को और उनके अहले ख़ानदान को आज 10 मुहर्रम को, यानी जिसकी शब है आज, क़यामत की रात है, उसको उनके 6 माह के बच्चे को और पूरे घर को 3 दिन भूखा प्यासा शहीद किया। और इतनी बेदर्दी से, एक जालिम बादशाह था यजीद, जो बहुत ही क्रूर था, बहुत ही जालिम था, और वो चाहता था कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है उसके बरखिलाफ़ काम करता था, और चाहता था कि उनके जो नवासे हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो हमारे जो काम हम कर रहे हैं, जो हम जुल्म कर रहे हैं, उसमें हाँ में हाँ मिलाए। लेकिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और अल्लाह के भेजे हुए नुमाइंदे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम घर लुटा देंगे, अपना सर कलम करवा देंगे, लेकिन हम तेरी बैत नहीं करेंगे। जब बैत से इनकार किया तो यजीद ने फौज भेज के कर्बला मुअल्ला में 10 मुहर्रम को असर आशूर उनकी शिमर ने खंजर चलाया उनके गले पे और पूरे ख़ानदान को शहीद कर दिया।